चलो चलो, आपका नाम क्या है? हेलो 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 हेलो, आपका नाम क्या है? अलीना। अच्छा, ये सब जा रहे हैं ऊपर छत पे। हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी अभी मैं तैयार होकर जा रहा हूँ, क्योंकि जैकेट तो यही है बस खाली, और ट्रोज़र भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, बस खाली जैकेट भी डाली हुई है। और अंदर तो मक्की वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह, अंदर तो पॉपकॉर्न मरने हैं। और मैं नहा के तो आ गया हूँ, बस खाने खाने तो खा लिया, और थोड़ा एक फुल्का का तो खा लिया, और अंडे बॉयल अंडे बने हुए हैं वो खा के निकलता हूँ फिर जल्दी से जल्दी। आज मैं जा रहा हूँ फजलाबाद, और फजलाबाद देख के आऊँगा। और फजलाबाद तो पहली बार जा रहा हूँ सामान बेचने के लिए, फेरी लेके, तो चलते हैं फजलाबाद। और हाँ, आज लॉकडाउन भी है, पूरा मार्केट बंद है। पता नहीं गाड़ी चल रही होंगी, शायद नहीं चल रही होंगी, फिर भी देखना पड़ेगा। गाड़ी चल रही तो फिर गाड़ी चल रही हो तो जाऊंगा, नहीं चल रही तो फिर इधर ही घूमूंगा सुरंगोट के अंदर, क्योंकि बाज़ार में कोई नहीं था। मैं देखा एक दो दुकान खुली है सिर्फ, ठीक है। और अंदर वो रहे तारा मत खा के जाना, तो अंदर दिखा दूँ क्या क्या बना है। पॉपकॉर्न बने और अंडे बॉयल अंडे वो खा के खेलते हैं जल्दी जल्दी। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या बना हुआ है। पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं? पॉपकॉर्न सिंपल, जो एक तो नमक वाले पॉपकॉर्न वो नहीं बनाते, क्योंकि वो बनाते हैं कम ही बनाते हैं इसको, कहीं घर में होगी कहीं वो होगी, इसलिए कोई रेस्टोरेंट होता ना, रेस्टोरेंट में बनते हैं वो नमक वाले पॉपकॉर्न वो वाले। चलो, और यहाँ पर यार नमक में बनते हैं, बट खाली नमक में डालें और मक्खी शक्की डाल के फिर बनते हैं। बाजार खुला हुआ है बाबा, खुला हुआ है बाजार। हाँ, लम्बू रेट लगा रहे हैं, और यहाँ मक्खी शक्की बनी हुई है यहाँ पर, तो आधी पैक भी कर रहे हैं और साथ में अंडे भी चढ़ रहे हैं गर्मा गर्म। और मक्खी बनी हुई है, ये मक्खी बनती है और बट्टी भी बनती है बस। अली काफ़ी मेहनत है उसमें भी, हर चीज़ में मेहनत है गाइस। ऐसा कौन सी चीज़ नहीं है जिसमें मेहनत नहीं होती, हर काम में मेहनत होती है। फाइनली गाइस, मैं अपनी शॉप पे आ गया हूँ, और ले जा रहा हूँ फेरी, ले जा रहा हूँ टल्ली, ले जा रहा हूँ और डंडा भी ले जा रहा हूँ। फेरी डंडा टल्ली एक ही बात है, और फेरी तो पूरी सेट है, देख लो अच्छे से। आज पूरा सामान ओके है, हर चीज़ इस पर। आज तो पिट्ठा छिट्टा भी है, ऐसा कुछ है, गुलकड़ा भी है, इसको गुलकड़ा भी बोलते हैं, पट्टी भी बोलते हैं, चावल वाली गजक भी बोलते हैं इसको, जो मर्जी चलाओ उसको। और ठीक है, ले चलते हैं इसको और ऊपर जाके देखते हैं ऊपर वाली पार्किंग में गाड़ी चल रही है शायद से यार नहीं चल रही, देखना पड़ेगा। क्योंकि यार बाजार में तो मुझे लगा कोई एक जम्मू वाली गाड़ी की गई है यहाँ से, बस ये है बस, उसका बस पता है वो गई है, औरों को पता नहीं मुझे, और गई नहीं गई, ऊपर जाकर पता करना पड़ेगा मुझे फिर। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और जल्दी पहुँचना, क्योंकि यार एक घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि ड्राइवर अब तक सवारी नहीं होगी, अब तक जाता नहीं ड्राइवर, ये खासियत है ड्राइवर की। और चलते हैं जल्दी यहाँ। तो गाइस, निकालते हैं अपना सामान बाहर। यार ये उठेगा भी नहीं, उठेगा एक हाथ से यार, दो मिनट कैमरा बंद कर लेता हूँ फिर उठाता हूँ इसको यार। तो चलते हैं यहाँ से और ये फेरी वाला उठाते हैं, और काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं भी, 10:30 बज गए यार, 10 बजे निकला था घर से, 10:30 बज गए। तो चलते हैं आगे, आप मिलता हूँ फजलाबाद, मिलूँ शायद से, मैं पार्किंग पर मिलूँ उधर ही मिलता हूँ आपको। गाइस पूरा लॉकडाउन लग गया बाजार में, और किसी ने दुकानें नहीं खोली अभी तक, और मैं भी थोड़ा फेरी वेरा लेके जा रहा हूँ, देख लो पूरा बाजार बंद है यार, पूरा बाजार में लॉकडाउन लगा हुआ है, और बाज़ार में दूर दूर तक कोई नहीं, कोई दुकान नहीं खुली अभी। और मैं जा रहा हूँ फेरी लेके, और यहाँ से मैं पार्किंग से बैठूँगी, पास में पार्किंग है बस, इधर से बैठना पड़ेगा मुझे। मैं आ गया और फजलाबाद नहीं गया, क्योंकि फजलाबाद के लिए गाड़ी बहुत लेट थी, एक घंटा लगा रही थी गाड़ी, इसलिए वजह से मैं गया नहीं। मैं अभी आया हूँ बफलिया वाली साइड, आया हूँ काली नाली के पास, और इधर ग्राँ है और गांव में आया हूँ। और एक्चुअली गाड़ी बहुत लेट थी, क्योंकि लॉकडाउन था आज, इस वजह से गाड़ी कोई चल नहीं थी, कोई सवारी भी नहीं थी। जो मेरी गाड़ी करीब आधा घंटा लग गया था उसको चलने में, और 20 मिनट यहाँ पर आने में लग गया बस। और यहाँ से चलते हैं आगे। आज फेरी ना बहुत भारी लग रही है कसम से, इतनी भारी लग रही, चल नहीं हो रहा मुझे, 10-10 मिनट बाद रख रहा हूँ बार बार फेरी, अभी तो मैंने कहीं रखी नहीं, अभी यहीं रखी है सिर्फ। और चलते हैं फिर, और आज सामान तो पूरा टोटली सामान, सारा सामान लेके आया जो सामान होता है। कल इतना सामान नहीं था मेरे पास, ना कल पिट्ठा था इतना, ना वो था, कल कुछ सामान नहीं था मेरे पास फिर भी। और चलते हैं फिर यहाँ से ऊपर, देखते हैं कहाँ तक। आज मैं ऊपर टॉप पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि टॉप पर इतना मेरा काम बिल्कुल नहीं लगता, और खजल और होता हूँ उधर जाकर मैं बस, और नीचे घूमूँ, और ऊपर जहाँ ज़्यादा घर हैं उधर ही जाऊँगा सिर्फ। और चलते हैं फिर जल्दी जल्दी।
यहाँ से कुछ घरों में सामान देकर लेकर रहा हूँ और आस्था से ऊपर भी जाऊँगा। और कहते हैं काफ़ी अब थोड़ा सा ज़्यादा वज़न लग रहा है कसम से, सच बोलूँ वज़न बहुत हो गया। और थोड़ा सा मेरे कैमरे की क्लैरिटी, क्योंकि धूप की रिफ्लेक्शन है ना मेरे सीधे कैमरे पे पड़ रही। वहाँ के बच्चे थोड़ा बहुत और क्या सामान ले रहे हैं ये अभी, आओ नहीं आ रही कैमरे में, क्या हो गया कैमरे में क्यों नहीं आ रही? चेंज नो चेंज नहीं है तो वो यही कितनी कितना सामान चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए बताओ। 50 का हो कर दूँगा। तो अभी लेकर चेन तो एक्चुअली मेरे पूरी कोई चेन नहीं, जो 30 रुपये जम पड़े वही 30 रुपये सिर्फ, और देख रहे हैं हो जाए चेंज यार वही ठीक है बेटर है, नहीं होती अन लग गया यार कसम से। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? और चाचा इधर आओ ना यार, पता नहीं क्या हो गया। आपकी वीडियो भी आएगी यूट्यूब पे। मेरा विनोद व्लॉग्स नाम है, विनोद व्लॉगर सिंगोट। इधर आओ ना पकड़ो, ऐसे बोलो ना कैमरा। ये कुछ भाग रहे हैं बच्चे बार बार तो ठीक है चलें बाय। अच्छा लगा इनसे मिलके मुझे, और सामान मिल लिया 50 का सामान लिया उन्होंने सबने। आ गया थोड़ा हाइट पे, आ गया हूँ काफ़ी, और काफ़ी थक गया था इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट किया था। ऊपर अब मैंने रखा है सामान इधर रखा है काफ़ी हाइट पे, यहाँ से ना पूरा बफलियाज दिखता है, सुनकोट भी दिखता है यहाँ से पूरा, काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ मैं। और ये भी काफ़ी चलना पड़ा और ज़्यादा चढ़ाई ऐसे प्लान में हम चलेंगे ना उसमें इधर हमें पैरों में दर्द नहीं होगा, हम चढ़ाई पर चढ़ेंगे ना और सामान लेके चलेंगे और पैरों में ना घुटने में बहुत दर्द होता है सच में। कहाँ से ऊपर मेरा कोई जाने का फ़ायदा, क्योंकि काम शाम तो है नहीं ऊपर, और घर भी हैं काफ़ी, मगर कोई पूछ भी नहीं रहा मुझे यार कुछ चाहिए कुछ वो लेना है कुछ बस। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का कैसा व्यू है, देखो गाइस यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। और इधर का भी, इधर मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, और देखो गाइस यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, सिर्फ देखो बराबर है, ये थोड़ा ऊपर है और हम थोड़ा यहाँ से ऊपर जाएंगे ना और भी ऊपर जाएंगे, यहाँ से पूरा वो दिखता है ये देख लो। अभी यहाँ से हम थोड़ा ऊपर हाइट पे, थोड़ा यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे ना फिर थोड़ा और ऊंचा लगेगा हमें, सामने सामने यहाँ से पीर गली दिखता है पूरा। दस का हाँ सब कुछ 10 का है। क्या लूँ ये किन्ने का? 10 का सब कुछ, 10 का जो मर्जी ले ले 10 का। ये दो तोड़।
एकदम खींच एकदम ठीक। 10 का और क्या लेगा यार, यूट्यूब चलाते हैं। ओ मोबाइल टेढ़ा मत कर बस, ठीक है ठीक है। यही दो तोड़ लो जो चाहिए आपको। और और आपको आपको क्या चाहिए? यो पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। तो गाइस कुछ सामान दे दिया, और उस सामने भी जाना मैंने सामान देने के लिए, और काफ़ी आगे, और टाइम भी करीब 2:30 बज गए शायद से। क्या क्या ले लिए इन्होंने यार, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या लिया है। 20 रुपये का लड़की, अभी आपने क्या क्या लिया? ये मैंने नीचे से वो नहीं, अभी यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर क्या क्या लिया? एक ये लिया, और आपने क्या लिया यहाँ पर? बैलून, क्या बात। 20 रुपये का सामान हो गया इनका। एक ये, एक 10 का बैलून लिया, एक 10 कैंडी लिए, एक ये लो चावल बाटी। एंटी है ही नहीं इसमें, टूट गई सारी, कुछ फायदा नहीं। इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ओ आसा आसा, 10, 20, 30 रुपये हो गए। 30 रुपये अंकल क्या जी? आ गया भैया जी, आ गया। और कुछ? ठीक है ठीक है। एक फुल बड़ी वाला ये लो 40। इधर हाय कर दो कैमरे में, हाय कर दो, हाय। ये लो 40 हो गया। ये चावल वाला जो है ना, कितना खुला दे दूँ पूरा ले। ये बाय 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 कर दो यार, मेरी घंटी इधर है। चलो बाय, ठीक है बस चलते हैं यहाँ से नीचे। देखो भैया विनोद ब्लॉगर सुन, लिखो विनोद वी स्पेस आपके फिर वी एल ओ जी जी आर ब्लॉगर विनोद ब्लॉगर, विनोद ब्लॉगर काटो एकदम पूरा काटो। VINODSPACE VLO GGER विनोद ब्लॉगर सुन गोट। अच्छा हाँ यही वीडियोस है मेरी, क्लिक कर लो। कितने हो गए? लाइक करो और शेयर करो, ठीक है ठीक है। वीडियोस देख रहे हैं ना, अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब कराया उनसे, और पूछ रहे थे सब कुछ आप ही बनाते हो, बट मैं नहीं बनाता सब कुछ, और कार्टून आई डी बनता है, और यहाँ पर सिर्फ पॉपकॉर्न बनता है, ठीक है। शेयर करना भैया, ठीक है, दबा कर। हाँ और कुछ सामान? बस मेरे था सुरनकोट। सामान यही है, लड्डू भी आए। लड्डू कितने का एक? लड्डू 10 का पैकेट। हाँ पूरा पैकेट, पूरा पैकेट 10 का इन्होंने। जी जी दवाई तो है। हाँ वही पड़ गया ना, 5 रुपए का एक, 10 के दो, वही वही सा 30 ये पिलाना। हाँ बाबू ये जोर ऐसा मत जा, अष्ट से बड़ा जहाँ रे। और आप क्या चलाते हो? क्या किस चीज़ की बताओ ना, क्या चलाते हो? कुछ चैनल वगैरह है आपका? किस चीज़ का चैनल, किसके लिए कुछ वीडियो वगैरह डालते हो? ऐसी चैनल है, किस चीज़ का वीडियो? गेमिंग वीडियो डालते हो? वीडियोस डालता हूँ उसमें, खेल गया यार, डिलीट कर गया ये भी। तो गाइस पूरा सामान टूट गया, तार टूट गया था बीच में से, और ये मैं यहाँ पर खिटक गया, और मैं इसमें डालूंगा तार में, काफ़ी नुकसान हो गया, टूट गया। बस शुगर इस पर लिफाफे हैं, और खाली गुड़ गचक वगैरह होती है वो तो पूरा टूट खराब होती है, तो उसको मैं डालता हूँ फिर इसमें। See you where it leads, just
गाइस मैंने डंडा पूरा सेट कर दिया अच्छे से और अब नहीं टूटेगा तार ही है। अब मैं इसको खड़ा करता हूँ फिर ले जाता हूँ इसको साथ में और चलते हैं हम घर पे, मिलूंगा सीधा आपको मैं। अरे हम घर पे और रास्ते में एक अंकल मिला था, बस थोड़ा सा अंकल मिला था मुझे, बोर थे पहचाना नहीं, मैंने भाई पहचान ले यार, इतनी आदत तो मेरी कमज़ोर नहीं बट। और जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ से पैदल जाऊँगा सुनगढ़ तक, काले नाले से काले नाले से सुनगढ़ तक पैदल जाऊँगा। बस अभी एक गाड़ी वाले को रोका यार, सामान वगैरह नहीं रखा उसने, बोलता नहीं आएगा, मेरी गाड़ी को क्रॉस कर लगेगी। भाई तेरा काम है यार सामान रखना, सामान रखने रखा नहीं क्योंकि आज ना मेरे पैर इतने थक गए, कसम से पैरों में इतना दर्द हो रहा है फिर। और जाएंगे आस पास, रास्ते में एक दुकान शॉप पड़ेगी, एक मेरे फ्रेंड की दुकान है, उधर से कुछ खाऊंगा पीऊंगा यार, बहुत भूख लगी कसम। सुबह मैं खाली एक ही फुलका खा के आया, वो साथ में दो अंडे। और लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, साथ में टल्ली लेके जा रहा है और ये फ़ोन हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। और एक इधर कभी इधर हूँ कभी इधर हूँ, बहुत दर्द होता कंधों में सर बोलो, ये मुझे ही पता कितना दर्द होता है। और रात को मैं करीब 3-4 बजे सोता हूँ बस, क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, काफ़ी बहुत चक्कर कसम से। जितना आप सोचते हो और व्लॉग बहुत आसान है, बट व्लॉग बहुत आसान नहीं, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। और ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि बट इसलिए मेरा बस मैं माना जो मर्जी करूँ, मेरा मन कहता है हर चीज़ पे व्लॉग करूँ मैं, हर चीज़ पे मैं इस चीज़ पे व्लॉग करूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि व्लॉगिंग करना। बट पहले ना दो करीब मुझे थोड़ी जब मैं ये ले जाता था बट इसमें मुझे थोड़ी शर्म सी आती थी, क्योंकि फिर अल्ताफ भाई ने और सिद्ध भाई ने मुझे बोला हर काम में भाई मेहनत ज़रूर लगती है क्योंकि सिद्ध भाई ने बोला था और उन्होंने भी बोला था अल्ताफ भाई ने, बोलते यार इस काम में शर्म की, इसके ऊपर व्लॉग कर अच्छा है, ब्लॉगिंग में यही चीज़ देखते हैं लोग। और मैं 2-3 दिन क्योंकि मुझे किसी जैसे मेरे कोई वो है ना, मेरे मामा के फ्रेंड्स हैं उनके घर, उस गली में जाऊँ तो मुझे शर्म आती है, उनके घर में आज से कम ही जाता हूँ बट इतना नहीं जाता, मैं शर्म से आती हूँ उनके घर, सच में शर्म इसलिए आती है यार, मैं उनके घर, मुझे उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता। बट जा रहे हैं आस्ते आस्ते और आगे मिलता हूँ, उसी शॉप में मिलूँगा मैं फिर आपको, थोड़ा बस दिखाऊँ दो। अब मैं थोड़ा यहाँ पर दराबे पहुँच गया हूँ, अच्छा लग दिया मेरा टल्ली वाले वो इधर नाम अच्छा लग दिया, अच्छा नाम है टल्ली वाला यार, हर कोई जानता है टल्ली वाले से। टल्ली इसको बोलते हैं, जो मेरे पास घंटी है ना इसको टल्ली बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरी, जो सोटी फेरी सोटी एक ही बात है यार, जो भी मर्जी बोलो। आज मैंने बैलून का नया नाम सुना बट भूल ही गया क्या नाम रखा है बैलून का यार, पता नहीं पटाखा पता नहीं क्या नाम रखा है, कुछ पता नहीं मुझे, मगर मैं पूछी भी है ये मतलब क्या है, फिर उसने बोला बैलून दे दो यार, अजीब अजीब से नाम रखे हैं, मुझे खुद नहीं पता कैसा कैसा नाम रखे हैं। फाइनली दरबा पहुंच गया मैं, और पहले तो मैंने अभी मलिक मार्केट क्रॉस करी है, मलिक मार्केट क्रॉस करके सीधा फिर एक हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल के पास सुनगोट है, उस पास दरबा है सिर्फ। अबे ठिप्पर साहब बोले बीच में आके लगाया आपने, बड़े बड़े टायर है, बड़ा बड़ा यार बहुत बड़ा ठिप्पर।